हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो में एक ऐसे सेगमेंट की बात करने वाले हैं, मतलब इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सभी बंदे जाना चाहते हैं और फिर एक प्रैक्टिकल कार भी सर्च करते हैं। तो उसके बीच में ये निकल के आती है टाटा की टियागो। अब इसके अंदर कोई बंदा ये प्लान कर रहा है कि भाई मेरा तो बजट ऐसा है कि मैं 8 लाख तक किसी भी गाड़ी के ऑन रोड प्राइस पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी फीचर्स भी मुझे मिल जाएं, जिसमें मुझे बाहर से कोई काम कराने की जरूरत ना पड़े, दूसरा चलती भी इकोनॉमिकल हो, मतलब कि सस्ते में चलती हो और CNG वाली गाड़ी हो, तो ये आप प्लान कर सकते हो। ये है टाटा टियागो CNG XT वेरिएंट है इसका, मतलब कह लो काइंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और 8 लाख इसकी ऑन रोड कीमत है, प्रॉपर 8 लाख रुपीज। तो ये डेली का बता रहा हूँ मैं, बाकी स्टेट टू स्टेट अपना क्वेरी करता है। बाकी इसके अंदर फीचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट भाई सभी मिल जाते हैं आपको, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कुछ कराने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी क्या क्या है वो फीचर्स उनकी बात कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना भाई, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप करना चाहो तो, आपकी इच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो कर देना, वरना देख लेना, थोड़ा हम पे रहम कर देना, आप कर ही देना। तो क्या क्या ऑफर कर देता है वो चीज़ों के बारे में बातचीत कर लेते हैं, वीडियो देखो एंड तक। और अभी गाड़ी चाबी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो चाबी से स्टार्ट करें तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है यहाँ पे की फॉब, जहाँ पे अपना सेंटर लॉकिंग आपको मिलती है, मतलब चाबी से आप डोर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हो। फॉलो मी वाला फीचर भी इस चाबी के ऊपर मिल जाता है। सेकंड की जो है वो तो नॉर्मल सी मिलती है, बट फर्स्ट थिंग जो है हमारे हाथ में चाबी रहती है, तो वो आपका पहला वो रहता है कि हाँ भाई किसी भी गाड़ी को एक्सेस करने के लिए आपको चाबी की जरूरत पड़ती है। तो एक सहूलियत यहाँ पे मिल जाती है इसके अंदर आपको कि सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, इसमें आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से। और पीछे टाटा का लोगो है और फील काफ़ी अच्छी है चाबी की, तो आफ्टर मार्केट से तो बहुत बेहतर है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। सबसे पहली चीज़ चाबी आपको सेंटर लॉकिंग के साथ मिलती है। और अभी अपना इग्निशन वगैरह ऑन करके दिखा देते हैं आपको। तो इसमें फ्लिप की मिलती है सिंपल कुछ इस तरीके की, यहाँ से डलेगी इग्निशन में चाबी यहाँ से। तो इसे आप एक बार जब ऑन कर देते हो ना, स्टेयरिंग अपना ये अनलॉक हो चुका है यहाँ पे, ये ब्लोवर्स वगैरह ऑन हो जाते हैं, बट इनके अंदर लाइट वगैरह नहीं आती किसी भी क्लस्टर के अंदर, मतलब ना इसके अंदर आती है और ना ही इसके अंदर आती है। तो अभी देखना सेकंड पुश पे दोनों में आ जाती है, ये देखो ये कुछ इस तरीके से ऑन हो जाता है क्लस्टर और अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम। और यहाँ की बात करें तो ये पूरा डिजिटल मिलता है और इतना सिंपल डिजिटल मिलता है, मतलब है तो डिजिटल ही पर समझ में आ जाएगा बहुत इजीली आपको। 8000 तक यहाँ पे RPM है, बीच में कैम आईडी मिलती है जहाँ पे कितने किलोमीटर पर आर की स्पीड गाड़ी चल रही है वो दिखता रहेगा। लो फ्यूल की वार्निंग जैसे यहाँ पे आ रही है, ये ट्रिप ए ट्रिप बी टोटल किलोमीटर कितने चली है, और इमरजेंसी लाइट अपने यहाँ पे ऐसे ब्लिंक करती रहती है। दोनों जो चीज़ें ब्लिंक कर रही हैं दोनों फ्यूल है, यहाँ पे टेम्परेचर कोई सा भी नहीं है। ये अपना CNG के लिए है और ये अपना पेट्रोल के लिए है। स्टिक्स वगैरह मिल जाते हैं जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेट रीसेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे मिलते हैं अपने वाइपर्स के कंट्रोल कुछ इस तरीके के, यहाँ पे अपने हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और इंडिकेटर्स के। और स्टेयरिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके का मिलता है, मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील, बट इसकी जो ग्रिप है ना ये अपना नॉर्मल से मिलती है। इस पर आप चाहो तो करवा सकते हो लेदर रैपिंग वगैरह जो भी आपको कराना हो स्टेयरिंग कवर, बट इस पर कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। और टाटा का लोगो है बीच में, एयरबैग की बैजिंग है, ग्लॉसी स्ट्रिप दी हुई है यहाँ पे। और इसकी एडजस्टमेंट की बात हम करें तो आपको टिल्ट मिलता है और टिल्ट ही मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे थोड़ी स्पेस वगैरह मिल जाती है और इसका केबिन थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब ऐसा मिलता है आपको, ऊपर साइड से ब्लैक है, नीचे की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ग्रे मिलता है, जैसा कि टिगोर में आपने देखा हो वो थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा ग्रे शेड ज़्यादा है इसके अंदर, बट लगता मस्त है। और ये चीज़ थोड़ा डिफरेंस बनाती है उस चीज़ को। तो डैशबोर्ड एक सेकंड दिखाता हूँ, ऊपर की साइड से यहाँ से देखोगे तो वैनिटी मिरर है, एयरबैग की बैजिंग है, एक मैनुअल डिमिंग IRVM है, ऊपर की साइड यहाँ माइक की प्लेसमेंट है, यहाँ पे टिकट होल्डर की प्लेसमेंट है। डैशबोर्ड देख लो, क्रोम अपनी लाइनिंग्स देखने के लिए मिलती हैं, अपने ORVM इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आता है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आएगा, ये हारमन का है। 4 अपना स्पीकर्स मिलते हैं यहाँ पे, CNG की बटन मिल जाती है, हेजार लाइट की बटन है, इसी वेंट्स, अपना मैनुअल AC, एक USB पोर्ट है यहाँ पे, ये देख लो कुछ इस तरीके का, 12 का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे, थोड़ी स्पेस वगैरह है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर कुछ इस तरीके का मिलेगा। इस तो कुछ शाइनी चीज़ें तो नहीं है इसको छोड़ के, बाकी ग्रिप अच्छी बन जाती है, थोड़ा ना रबराइज अच्छे तरीके से कर रखा है।
ये ग्लॉसी लाइनिंग्स मिलती हैं, यहाँ पे कप होल्डर्स है, यहाँ पे कोई 12 का चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है आपको, और यहाँ पे है हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ, और ये देखो कुछ इस तरीके से खुलता है अपना ग्लो बॉक्स, बहुत सिंपल बहुत सही तरीके से, और ये भी डुअल कंपार्टमेंट से मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, और फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, और इनके ऊपर भी ट्रैप पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे कोई रीडिंग लाइट नहीं है, वो बीच में मिलेगी, एक वो पीछे से दिखाऊंगा आपको। तो इस सीट में मेरी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, पीछे की स्पेस दिखाते हैं, और उससे पहले आपको डोर पैनल चेकआउट करा देते हैं, तो पहले चलते हैं पीछे। सो अभी यहाँ से बातचीत करें सभी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे सीट के अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, तो एक फीचर ये भी हो गया इसमें। नीचे एक साइड तीन पेडल्स हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच, डेड पेडल की लेवल प्लेसमेंट दी हुई है, और ये डोर पैनल आप चेकआउट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। चारों पार विंडोज़ हैं, विंडोज़ के लॉक हैं, ये चीज़ें अपना थोड़ा मैट ब्लैक में आ जाती हैं, क्रोम वगैरह नहीं है, बट चीज़ें मिलती हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अगर इसे कोई कहता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ चीज़ कराने की ज़रूरत है। चारों पार विंडोज़ हैं, यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट है, ORVM यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, अपने मोटो होल्ड प्लेसमेंट मिल जाती है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और अभी चलते हैं पीछे, ये सीट मैंने मेरी हाइट के हिसाब से कर ली है एडजस्ट, तो इसे किया बंद, और अभी पीछे की स्पेस की बात करें तो ये देख सकते हो, ये भी ऑलमोस्ट मान के चलो स्टेट ही खुल जाता है, बट ठीक है ये है। और पीछे वाले डोर पैनल पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी अपना स्पीकर की प्लेसमेंट है, अपना मैट ब्लैक ये मिलता है, लिवर पावर विंडो कंट्रोल फैब्रिक वगैरह नहीं है, बोटो एक प्लेसमेंट है। और अभी पीछे चलें तो भाई, तो ये मेरे पास स्पेस बचती है, 5 में मेरी हाइट है, पैर नीचे तक अपने स्ट्रेच हो जाते हैं आराम से, तो थाई रूम में इसको दिक्कत होती नहीं है। थोड़ा सा अगर बंदा हेल्दी है ना, उसकी हाइट वेट ज़्यादा है, तो थोड़ी उसे दिक्कत हो सकती है, बाकी मज़ा आ जाएगा पीछे बैठ को, दिक्कत वाली बात नहीं। सॉफ्ट हैं सीट्स, ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बढ़िया है कुल मिला के। 5 में मेरी हाइट है, और ये देख सकते हो आप, और ये भी देख सकते हो आप कितनी मेरे पास बचती है स्पेस। और अभी देख लो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, कुछ इस तरीके का। यहाँ पे एक ही रीडिंग लाइट मिलती है बीच में, यहाँ पे 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल हैं जो कि अपना पैसे इजी फोल्ड हो जाते हैं। यहाँ पे 1 और 2 सिर्फ 2 एडजस्टेड हेडरेस्ट हैं, यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह नहीं मिलती हैं दोनों सीट्स पे। यहाँ पे एक बोल्ट होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है, पीछे वाले जो हेडरेस्ट हैं सीट्स के अंदर ही इंटीग्रेटेड हैं, बीच में कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। तो ये हैं सारी चीज़ें, ये है इस गाड़ी का केबिन। अब इसका बूट दिखा देता हूँ आपको, फिर गाड़ी की बाहर की प्रोफाइल बातचीत करेंगे, और फिर बात करेंगे गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की। तो बूट की तरफ चलते हैं पहले। सो अभी गाड़ी के बूट की अगर हम बात करें तो सिंपल यहाँ पे आपको 2 लेवर्स मिलते हैं, एक बूट खोलने के लिए, दूसरा अपना फ्यूल खोलने के लिए। तो सिंपल से करेंगे ऐसे, और अभी बात करते हैं कि बूट में क्या चीज़ आपको मिलती हैं। तो एक सेकेंड, ये खुल गया सिंपल ईजी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिलेंडर की प्लेसमेंट मिलती है, बूट वगैरह ऐसे कोई खास मिलता नहीं है, पार्सल ट्रे मिल जाती है, और यहाँ मिलता है सिलेंडर, CNG सिलेंडर जो कि 60 लीटर्स की वाटर रिबीडिंग कैपेसिटी के साथ आपको मिलेगा। नीचे स्पेयर व्हील है जिसको एक्सेस करने के लिए आई थिंक आपको इस सीट अगर क्लाइन करनी पड़ेगी। तो ये हैं चीज़ें, बाकी फिटमेंट काफ़ी अच्छी कर रखी है, टूल किट वगैरह सारी चीज़ें हैं, और स्टैंड वगैरह आप देख सकते हो सही तरीके से किया हुआ। तो अभी इसे बंद कर देते हैं, और अभी बात करते हैं गाड़ी की बाहर की प्रोफाइल की, बाहर से क्या क्या ऑफर कर देती है। एक सेकेंड बस, तो अभी स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट से। तो अभी बात करेंगे टियागो का ये XT वेरिएंट CNG वाला आपको क्या क्या चीज़ ऑफर कर देता है अगर हम इस वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं तो। तो फ्रंट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे पहली बात हैलोजन बेस अपना हेडलैम्प का सेटअप मिलता है कुछ इस तरीके का। इंडिकेटर्स हैं, पूरी क्रोम लाइनिंग्स मिलती हैं, ये अपना ग्लॉसी ब्लैक ग्रे मिलती है, टाटा का लोगो, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, यहाँ पे लेआउट्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स नहीं है, ये क्रोम स्ट्रिप्स आ जाती हैं यहाँ पे। बाकी प्रोफाइल की बात करें तो सामने से वो शार्प प्रोफाइल इसको मिलती है, मतलब लगती है कोई चीज़ है ये। तो नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ पे है, और ये है ये गाड़ी की डायमेंशन है, देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। और साइड सेक्शन में आए तो यहाँ ब्रिस्टोन के आपको टायर्स मिलते हैं, 175/65 R14 के कुछ ऐसे मिलेंगे, स्टील व्हील से इनके ऊपर व्हील कैप्स लगे हुए हैं, पर लगते बढ़िया हैं, ऐसा दूर से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि व्हील कैप्स हैं, अलॉय व्हील्स हैं। आगे डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, और फिर ऊपर की साइड एक नॉर्मल एंटीना है, ग्लॉसी ब्लैक अपने ORVM साथ हैं इस वेरियंट में, और ये अपने इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आते हैं इसमें, बट सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाती है, ये पूरा सीन यहाँ से। तो अभी देख लेना आप, मतलब अभी तक आपको कुछ ऐसा नहीं लगा होगा कि भाई अगर इतने बजट में हम प्लान कर रहे हैं तो कोई चीज़ हमें बाहर से करानी पड़ेगी। सीट्स कवर वगैरह है तो भाई थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है उनके लिए आपको कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ छिड़वानी पड़ेगी, वो तो सिंपल आप कहीं से भी चढ़वा सकते हो। यहाँ पे साइड में इंसर्ट्स मिल जाते हैं ग्लॉसी ब्लैक, यहाँ पे स्टॉप लैंप है, डिफॉगर वाइपर नहीं आता है, यहाँ पे वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, CNG का स्टिकर, और ये हैलोजन बेस कुछ ऐसे मिलते हैं, टेल लैंप्स, और पीछे के साइड 2 पार्किंग सेंसर्स भी हैं, एक हीरा यहाँ पे टियागो की बैजिंग है, टाटा का लोगो, और यहाँ पे ICNG की मतलब की हुई है यहाँ पे बैजिंग,
ताकि पता चल जाए आपको भी सीएनजी वाला वेरिएंट है। वैसे तो वहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है बट यहाँ पे डेडिकेट अलग से अपना डिनोट किया हुआ कि ICNG लगी हुई है इसके अंदर और नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है। यह है पूरा सीन। और अब इसके इंजन कंपार्टमेंट की बात करें और ये दिखा देता हूँ, देखो यहाँ से लेगा गाड़ी में CNG पेट्रोल। और अभी इसके इंजन कंपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, एक सेकंड बोनट खोल लेते हैं फिर मिलते हैं। सो अभी बात आ जाती है इस गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की, तो उससे पहले यहाँ देख लो इंसुलेशन पैडिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ मिलता है 1199 cc का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 72 bhp निकालता, 95 Nm का टॉर्क है और 26 की माइलेज क्लेम करती है भाई कंपनी 1 kg CNG से। और यह है पूरा इंजन कंपार्टमेंट आपके सामने देख लो, यहाँ पर एक साइड की बैटरी है और यह है पूरा सीन। और एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं दोबारा से। सो ये थी आपके सामने टाटा टियागो CNG XT वेरिएंट, काइंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि 8 लाख के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम, चारों पावर विंडोज़, ORV इंडिकेटर्स और ये मतलब व्हील कैप्स, अलॉय व्हील जैसी प्रोफाइल जिनको मिलती है ये है अपना। और क्या चाहिए यार, अपने एक बढ़िया एंटीना वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर। सीट्स कवर का है वो आप चढ़वा लो कहीं से जहाँ से आपकी इच्छा करे और जैसा आपका मन करे। तो आपकी क्या राय है बताना, अगर आप एग्री करते हो तो ठीक है, वरना जो भी भाई अपनी कमेंट छोड़ता है मैं उस चीज़ को भी डिनाई नहीं करूँगा कि भाई कोई एक्सपीरियंस कर चुका है ये चीज़, और तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट्स में, गाड़ी कैसी लगी वो बताना कमेंट्स में, और फीडबैक ज़रूर देना। और हम फिर मिलते हैं, बाय बाय।